सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चुनाव की मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद 3 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें की एक विधानसभा सीट भागलपुर भी है। और भागलपुर में जो हम आपको बता दें, कांग्रेस से अजीत शर्मा, भाजपा की ओर से रोहित पांडे और लोजपा की ओर से राजेश वर्मा प्रत्याशी मैदान में है। और इन्हीं तीनों के बीच टक्कर की संभावना है। और हमारे साथ जो है इस वक्त भागलपुर के शाह मार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के व्यवसाय वर्गीय लोग हमारे साथ में देख सकते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसे प्रत्याशियों को ये लोग चुनेंगे, इनका जो है प्रत्याशी, इनको बेहतर प्रत्याशी मानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। मेहताब आलम सर, क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसमें भागलपुर को जो है 3 नवंबर को चुनाव होने हैं? भागलपुर से जो मैदान में प्रत्याशी हैं वो हम आपको बता देते हैं, कांग्रेस से अजीत शर्मा हैं और लोजपा से राजेश वर्मा हैं और भाजपा से रोहित पांडे जी हैं। बेहतर किसे मानेंगे? बेहतर भाई मानेंगे हम कांग्रेस को। क्यों, ऐसा क्यों? अभी लहर दौड़ रहा है कांग्रेस। देखिए, भागलपुर की विकास की बात हम करेंगे, अजीत शर्मा यहाँ के विधायक हैं, क्या भागलपुर का विकास हुआ है? भागलपुर का विकास बहुत हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? अब विकास तो देख ही रहे हैं, अभी देखिए जैसे पेपर का विकास होता है, कागज में विकास है। सबसे अच्छा बिजली सुधार हो गई है, यहाँ पे रोड अच्छा काफी हो गया, पहले सड़क जाम होता था, पूरा सड़क क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा है। युवा को कौन बेहतर किसे मानेंगे? कांग्रेस के रीजन में जो है लफड़ा नहीं होता, भाजपा के रीजन में हिंदू मुस्लिम पूरा होता है। ये सब चीज़ अपने को अच्छा नहीं लगता। क्षेत्र, अगर भागलपुर शहर की विकास की हम बात करें तो यहाँ की हम बात करते, प्रदेश स्तर की बातें छोड़ देते हैं, यहाँ पर अजीत शर्मा जी विधायक रहे हैं, अभी भी वर्तमान के विधायक हैं, क्या लगता है उन्होंने विकास करा है? विकास किया है। भागलपुर की जो समस्या रही है वो हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, भोलानाथ पुल की समस्या रही है, हवाई सेवा रही है, जाम की समस्या रही है, चाहे वो अजीत शर्मा हो या फिर चौबे जी हो, जिन्होंने 19 वर्ष जो है विधायकी किया यहाँ पे, उनके रीजन में भी जो है ये समस्या चली आ रही है। चौबे जी, अश्विनी चौबे 19 साल विधायक रहे यहाँ पे, उनके वक्त में भी ये समस्या रही है, अजीत शर्मा के वक्त में भी ये जो है समस्या रही है, फिर बेहतर कैसे बोल रहे हैं? ये सब तो सारे पॉलिटिशियन का काम है, कोई सा भी पॉलिटिशियन आता है काम कुछ नहीं करता, खाली आश्वासन लेकर जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है, जहाँ का तहाँ रहता है। और हम लोग के लिए ऑप्शन है, हम लोग के लिए ऑप्शन है, युवा चेहरा राजेश वर्मा को आना चाहिए, क्योंकि वो देखिए अजीत शर्मा भी यहाँ के विधायक रहे हैं, सिर्फ कागजी काम हुआ है, वैसे चौबे जी भी रहे हैं, कागजी काम हुआ है, आज चौबे जी और शर्मा जी के लेके नेताबाजी हो रहा है, गुटबाजी हो रहा है, लेकिन आज तक शहरवासी को न हवाई अड्डा तो मिला लेकिन आज तक यहाँ से भोला नहीं भर पाया और न ही भोला पूरा स्तर ठीक हो पाया है, कितना धरना हुआ, कोई प्रॉब्लम ऐसा सोल्यूशन नहीं हुआ। युवा चेहरा राजेश वर्मा, उनको आना चाहिए और हम लोग राजेश वर्मा को ही देंगे। राजेश वर्मा की बात चल रही है, यहाँ पर 3 प्रत्याशी के बीच ऐसा कहा जाता है, अगर राजनीति विशेषज्ञों को माने कि 3 प्रत्याशियों के बीच चक्कर है, आपको क्या लगता है? राजेश वर्मा निकल जाएगा यहाँ पर। कैसे कैसे किस आधार? सारा युवा उनके साथ है। कुछ बोल रहे थे, नाम आपका? क्या बोल कुछ बोल रहे? चिराग पासवान से अभिजीत जय रखता हुई परशुराम जी, जैसे नीतीश कुमार परशुराम है, चिराग पासवान परशुराम जी, जितने के बाद भागलपुर के लिए आप उससे बेहतर बस कांग्रेस। चलिए और भी तो अजीत शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। अजीत शर्मा क्यों? लोगों को बात कराने विधायक है, कुछ काम हुआ भागलपुर में, डेवलप हुआ कुछ एनएचएससी का मामला आता है यहाँ पर, हमने बटन जाते आगे बहुत ही बुरा हाल है एनएचएससी का। भागलपुर शहर में कितना विकास हुआ? इस बार की जो प्रत्याशी मैदान में, इसमें बेहतर किसे माने? अभी तो राजेश वर्मा सर, हम लोग के लिए राजेश वर्मा, चेंज होना चाहिए। क्या लगता है राजेश वर्मा के ऊपर क्यों भरोसा? राजेश वर्मा क्योंकि युवा है, वो डिप्टी मेयर होकर भागलपुर योजना की हर जगह चल रही है योजना, उसको ये हम लोग सुनेंगे। आप कोई और अगर है बोलना चाहते हैं, और कोई बोलना चाहते हैं? अरे ममता जी, आप बोल रहे, चलिए अली बेटी क्या लगता है भागलपुर से जो भी प्रत्याशी मैदान में, पता है आपको
इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भागलपुर से? हम लोग के मार्केट के मालिक हैं, और हम लोग अपने छत्र छाया में रहते हैं, यहाँ पर कमाते खाते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मतदान होने के बाद वो तो मतदान होने के बाद सबको पता ही चल ही जाएगा, लेकिन अभी अभी कुछ नहीं कहते, मगर हम वोट देंगे। चलिए, भागलपुर का ये शॉ मार्केट और यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बेहतर है, बहुत लोगों का बेहतर है, तो बहरहाल ये जो यहाँ के जो लोग थे इनकी प्रतिक्रिया जो है, इनकी मनसा जानने के लिए हम आए हुए थे। और हमारा ये वीडियो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।